त्योहारों पर लगने वाली दुकानों को लेकर नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई है। अब दुकानदारों को डिस्प्ले दिखाने के लिए अपनी हद में रहना पड़ेगा। अतिक्रमण से बाजारों में जाम लगने पर परिवर्तन दल अब दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, इससे पहले ही बाजारों में रौनक आने लगी है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर दिया है, मगर इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ी समस्या जाम की होती है। दुकानदार अच्छी दुकान को दिखाने की वजह से अपनी दुकान के आगे दुकान का सामान रख लेते हैं और साइड का रास्ता बंद हो जाता है, और इसी के चलते आम नागरिक फुटपाथ पर नहीं चल पाते हैं और सड़क पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। इससे वाहन और लोगों की वजह से बाजार में जाम की स्थिति बन जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार नगर निगम की टीम बाजारों में सक्रिय रहेगी। दुकानदारों को समझाया जाएगा कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे सामान को बाहर ना निकालें। अगर दुकानदार फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमारे पास जो निर्देश हैं और जो नगर निगम जो चाहता है, हम व्यापारियों से हमारी कुछ अपेक्षा है, जिससे कि आपके माध्यम से हम सभी व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने अपने दुकान है, उनकी सीमा निर्धारित है, ये सभी दुकानदारों को पता है, अपनी सीमा में रहें सबसे पहले। दूसरा, कुछ भी चीज़ यदि उनको डिस्प्ले करना है वो भी उनकी सीमा में ही रहें, या फिर यदि कभी होता भी है तो उसको इस तरह से देखा जाए जो कि आने जाने वालों के लिए कष्ट ना बने। और दूसरा, सबसे बड़ी समस्या जो आती है दुकानदारों का अपना वाहन पार्किंग और उनके कस्टमर का भी पार्किंग, तो वो अपने कस्टमर को भी गाइड करें, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि जो भी अपना वाहन है या जो कुछ भी है उसको व्यवस्थित तरीके से पार्क करें। कर्नल राहुल गुप्ता ने बताया कि त्योहार से पहले दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा कि व्यापारी अपनी दुकानों को आगे ना बढ़ाएं, इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। शहर में टीम नजर बनाए हुए हैं, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।